जी नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम है वो है, अगर हमने क्यू वैल्यू एनर्जी फाइंड करनी है एक न्यूक्लियर रिएक्शन की। न्यूक्लियर रिएक्शन जो हमारे पास ये दिया गया है, इसमें हमारे पास जो नाइट्रोजन का मास है वो ये दिया गया है, मास ऑफ अल्फ़ा ये, मास ऑफ प्रोटोन ये, और मास ऑफ ऑक्सीजन जो है ये दिया गया है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए जो एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर होती है रिएक्शन कराने के लिए, उसको बोलते हैं थ्रेस होल्ड एनर्जी। तो वो इक्वल होती है माइनस क्यू एम वाई प्लस एम बी एम एक्स। अब ये एम वाई एम वी एम एक्स क्या है, ये इस जो हमारे पास इक्वेशन है इससे पता चलेगा। तो हम इस इक्वेशन को जो है ये नाइट्रोजन वाली और ऑक्सीजन वाली इक्वेशन का हम ऐसे भी लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। तो देखें एक्स, ये हमारे पास इक्वेशन है एक्स ए बी वाई, एक्स ए बी वाई, और नाइट्रोजन की जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास एक्स है वो नाइट्रोजन है, ए जो है हमारे पास वो अल्फ़ा है, बी जो हमारे पास वो प्रोटोन है, और वाई क्या है हमारे पास ऑक्सीजन है। तो जब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो मास ऑफ नाइट्रोजन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि एन जो है एक्स की जगह पे तो हम लिख सकते हैं एम एक्स नाइट्रोजन, तो इसका मास ये आ जाएगा। सिमिलरली जो हमारे पास अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा और ये जो ए है ये हम सिमिलरली लिख सकते हैं, तो मास ऑफ अल्फ़ा को हम मास ऑफ ए भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास ये जो है वैल्यू आएगी। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास मास ऑफ ऑक्सीजन। अब मास ऑफ ऑक्सीजन जो है हमारे पास वो देखें ये एंड वे, तो वाई और ये ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब क्या है, एम एम जो है ऑक्सीजन को हम एम वाई भी लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू ये है। तो जो प्रोटोन है पी को हम बी भी लिख सकते हैं, तो एम पी की जगह पे हम एम बी लिख देंगे, तो इसकी जो है ये वैल्यू है हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं जो हमारे पास क्यू, क्योंकि जो हमारे पास फार्मूला है उसमें क्या है क्यू इंक्लूड है, ये देखिए माइनस क्यू इंक्लूड है, तो इसको हम सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है क्यू को कैसे फाइंड करना है, डेल एम सी स्क्वायर। तो डेल एम को हम पहले फाइंड कर लेते हैं, मास जो है हमारी टोटल इक्वेशन का जो मास है वो कैसे है निकलता है उसको हम सबसे पहले फाइंड करते हैं। जो हमारे पास जो इक्वेशन है ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को, जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन की इक्वेशन है इसको हम पहले इसका रिएक्शन करवाते हैं ये कैसे बनती है। अगर हम जो है नाइट्रोजन के ऊपर हीलियम पार्टिकल जो है इसकी बम्बार्डमेंट करवा दें तो हमारे पास जो ऑक्सीजन जो है इसका डॉटर न्यूक्लियस जो रिजल्ट निकलता है, और साथ में प्रोटॉन जो है वो खारिज होते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो अल्फ़ा जो है इसकी है मास है वो ये है, और जो नाइट्रोजन का मास है वो ये है, ऑक्सीजन का जो मास हमारे पास वो ये है ऊपर दिया गया है, और प्रोटोन का जो है मास वो ये है। तो अगर हमने डेल एम फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट को माइनस कर देंगे प्रोडक्ट से, ठीक है। तो रिएक्टेंट को जो है प्रोडक्ट से माइनस कर दिया तो हमारे पास जो रिजल्ट निकला वो -0.001282। तो अब क्या करते हैं, हम इस डेल एम को सी स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यू का मतलब होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इसका यू को हम क्या बोलते हैं, 1 AMU। तो अब इसको हम जो इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यू की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 AMU इक्वल होता है 1.6605 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। अब अगर हम इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं तो इस तरह लिख सकते हैं, और इसके नीचे डिवाइड होगा सी स्केयर, तो यू की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी, सी स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास जो वैल्यू बची -0.001282 और साथ में ये 931.5 MeV ये आ जाएगी। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन हमारे साथ तो वैसे का वैसे आएगा 1.19 MeV। तो ये माइनस की वजह जो है माइनस, इसका मतलब ये क्या है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो जो हमारे पास फिर जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी वो क्या होगी, इस सब जो हमारे पास ये क्यू की वैल्यू आई है उसको हम जो हमारे पास इक्वेशन है जो गिवन फार्मूला है उसमें पुट कर देंगे, तो माइनस क्यू की जो वैल्यू आई है वो -1.19 इसमें पुट कर दिया,
और एम वाई की जो हमारे पास वैल्यू है, एम वाई ये देखें, एम वाई और एम एक्स ये है, एम बी ये है। तो इस तरह इसमें हमने एम बी, एम एक्स, एम वाई की वैल्यू पुट कर देनी है। तो इन दोनों को जमा करके, डिवाइड करके और मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास एनर्जी फाइनल पे जो हमारे पास एनर्जी निकलेगी वो 1. जो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 1.53 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हमारे पास एनर्जी रिक्वायर होगी।